जुर्म की दुनिया में अपनी काली करतूतों के लिए मशहूर सोनू पंजाबन एक बार फिर चर्चा में है। सोनू पंजाबन ने एक बार फिर जहर पी लिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सोनू पंजाबन ने सुसाइड करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वो जेल में रहकर इस तरीके की हरकत कर चुकी है। सोनू पंजाबन ने जेल में रहकर फंदा लगाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। उस समय भी उसे बचा लिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं सोनू पंजाबन की पूरी कहानी? आखिर कौन है ये सोनू पंजाबन? चलिए आपको बताते हैं। सोनू पंजाबन का असली नाम गीता अरोड़ा है। रोहतक की रहने वाली गीता अरोड़ा के पिता रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। वहीं गीता अरोड़ा भी 10वीं पास करने के बाद अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर अपना काम धंधा चला रही थी। लेकिन 17 साल की उम्र में उसकी शादी विजय सिंह से हो गई, जो कि एक हिस्ट्री शीटर था। लेकिन 2003 में यूपीएसटीएफ के हाथों विजय सिंह मारा गया। इसके बाद गीता को पैसों की किल्लत होने लगी। ब्यूटी पार्लर की कमाई से ना उसका घर चल पाता था और ना ही उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। ऐसे में उसने परिस्थितियों को देखते हुए कॉल गर्ल बनने का फैसला किया। विजय सिंह के साथ की वजह से उसे पावर की अहमियत तो पहले ही पता चल चुकी थी। 2003 और 4 के समय में दीपक सोनू और हेमंत सोनू नाम के आरोपी भी दिल्ली यूपी में काफी मशहूर हो चुके थे। उन पर अपहरण और फिरौती के कई मामले दर्ज थे। गीता अरोड़ा को समझ आ गया था कि अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों की शरण में जाना पड़ेगा। वो सोनू ब्रदर्स की शरण में आई और दीपक सोनू से शादी कर ली। लेकिन ये शादी कुछ ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई, क्योंकि 2004 में ही दीपक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद गीता ने उसके छोटे भाई हेमंत सोनू का दामन थाम लिया। बताया जाता है कि हेमंत से गीता ने शादी तो कर ली, लेकिन ये शादी भी नहीं चल पाई, क्योंकि 2006 में हेमंत का भी एनकाउंटर हो गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सोनू पंजाबन ने ही हेमंत और दीपक की जानकारी पुलिस को दी थी। हालांकि हेमंत और सोनू से प्रभावित होने के कारण गीता अरोड़ा ने अपना नाम बदल कर सोनू रख लिया और उसके आगे पंजाबन लगा दिया। इस तरह दिल्ली को मिली सोनू पंजाबन। आपने एक फिल्म भी देखी होगी फुकरे, और इसका दूसरा पार्ट फुकरे रिटर्न, जिसमें एक भोली पंजाबन का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसे ऋचा चड्ढा ने प्ले किया है। ये भोली पंजाबन का कैरेक्टर सोनू पंजाबन से ही इंस्पायर है। सोनू पंजाबन को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो अलग ही तरीके की इंसान है। भोले चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग है, मासूमियत से बात करना भी जानती है और जरूरत पड़ने पर फराटेदार गालियां भी देती है। उसे किसी से डर नहीं लगता। हालांकि ऐसे में उसका बार बार सुसाइड करना भी कई सवाल खड़े कर ही देता है। आपको बता दें, दिसंबर 2017 में सोनू पंजाबन को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उसने केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और एक लड़की को 20 लाख रुपए में बेच दिया। जब सोनू को पकड़कर पुलिस लाई तो उसने खूब हंगामा किया। उसने पुलिस को धमकी दी कि वो उसे जानते नहीं है। लेकिन जब उसका ये सिक्का नहीं चला तो उसने कमला मार्केट थाने में खूब हंगामा किया और कहा कि वो सलाखों में पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। तो ये थी सोनू पंजाबन की कहानी। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।